प्रांत के मैं हूँ ममता सिंह। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कानपुर के घाटमपुर में पावर प्लांट में सैकड़ों मजदूरों का बिना भुगतान किए भागी कंपनियां। बता दें कि पिछले दो माहों से सैकड़ों मजदूर गरीब 500 कर रहे बकाया राशि की मांग। प्लांट में काम कर रही प्रिंसिपल कंपनी LSTB नहीं कर रही भुगतान। बकाया भुगतान के लिए दो माहों से मजदूरों को टरका रही LSTD। सांगा टॉक्स में CDN, NLT, MSS समेत जयमा शारदे कंपनियां हो चुकी हैं रफू चक्कर। सैकड़ों मजदूरों का करोड़ों रुपया मारकर भागी कंपनियां। अन्य राज्यों में आए सैकड़ों मजदूरों के सामने रहने खाने के संकट। मजदूरों से CM योगी और श्रम मंत्री ने लगाई न्याय की गुहार। और भाई क्या मामला आपकी फैक्ट्री में? मामला है सर, यहाँ पेमेंट को लेकर आए। पिछले दो महीने से हम लोग का पेमेंट हमारी कंपनी किसी भी वर्कर का आस पास है पेमेंट रुका हुआ है। और अभी हाल फिलहाल हमारा कॉन्ट्रैक्टर 10 दिन से भाग गया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे साइट बहुत ख़राब ही चल रहा है, 4-5 कंपनी ऑलरेडी भाग चुकी है पहले से। ठीक है, तो हम लोग का पेमेंट एक्चुअली 10 दिन से हम लोग स्ट्राइक पे हैं, मिल नहीं रहा है किसी का। वर्कर लोग डेली स्ट्राइक आके करता है, किसी का रूम जो कोई प्राइवेट रूम में रहता है उनका रूम ऑनर निकाल दिया है रूम से, उनके पास रूम नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, राशन दुकान वाले राशन नहीं दे रहे हैं। हम लोग का तो जैसे तैसे चल जा रहा है, लेकिन वर्कर लोग जो दूर दूर से आके काम कर रहे हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इस समय कितना वर्कर आपकी फैक्ट्री में? तकरीबन मोर देन 500, 500 से ज़्यादा यहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं। हमारे कंपनी का ठेकेदार जो है भाग गया है घर पे, और LNT जो मेन प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है वो पैसा नहीं दे रहे हैं। जो जो कंपनियाँ भागी उनके नाम बताओ। इससे पहले यहाँ से भागी CDN, उससे पहले सांगा भागी थी, बीच में भी हाल फिलहाल BGR भागी थी, फिर वापस आ गई है। और छोटी मोटी कंपनी अक्सर भागती रहती है यहाँ पे, जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है वो लोग कुछ नहीं कर पाते। कि मजदूरों को कितना वेतन बाकी होगा अमाउंट? अमाउंट पे लमसम अक्टूबर और नवंबर मिला के तकरीबन 1.5-2 करोड़ के आसपास बाकी है, और प्लस फाइनल वर्कर चाहते हैं हमारा यहाँ से फुल एंड फाइनल डिमांड हो जाए तो वो बाकी है पूरा। LNT के लोगों से बात हुआ है तकरीबन हर दिन तो बात रहा, लगातार 10 दिनों से यही सब मसला चल रहा है, लेकिन वो लोग घुमा रहे हैं। कभी बोल रहे हैं कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ऐसे घुमा रहे हैं, कुछ होने का फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद है नहीं। बाकी छोटी जो कंपनियां उनके वर्कर लोग काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी के वर्कर लोग स्ट्राइक पे हैं तो वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। वजह यह है कि कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, कोई मालिक नहीं है तो काम कैसे नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ सबसे बड़ा मसला वर्कर्स का प्रॉब्लम है। किसी की बहन की शादी है, किसी के घर बेटी का शादी है, किसी के घर कोई बीमार है, पैसा नहीं है कि वो भेजे, सब कोई ना कोई मसला में फंसा हुआ है, उसी पैसे के बल पर उनका घर का खर्चा चलता है। आप सब लोग ज्यादातर बाहर के लोग यहाँ काम करने हैं? हाँ, सब लोग आउटसोर्सिंग किया हुआ है, कोई बिहार से है, कोई UP के पश्चिमी पूर्वी से, कोई पश्चिमी यूपी से है, ज्यादातर झारखंड के लोग और बिहार के लोग। झारखंड और बिहार के ज्यादातर लोग हैं। हाँ जी, वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। सर जी, मेरा नाम रोहित तिवारी है। सर जी, मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सर जी, यहाँ पे तकरीबन पिछले 11-12 तारीख से हम लोग सर रेगुलरली स्ट्राइक में हैं। मतलब सभी लोग चाहते हैं कि हमारा वेतन, हमारा भुगतान हो, जो हमारी कंपनी भाग चुकी है रामा ओवरसीज कंपनी, या तो वो मतलब जो हमारी प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है जो LNT है, या तो वो पैसे दिलवाए या फिर हमारे कॉन्ट्रैक्टर को बुलवाए। सर, इस तरीके का कोई भी एक्शन या रिएक्शन नहीं दे रही है LNT कंपनी। और सर, हम लोग जब स्ट्राइक कर रहे हैं तो वो लोग अंदर में CI सब सर हमें कुछ नहीं हमारा करने दे रहा है। और सर, हम लोग जब बाहर कर रहे हैं स्ट्राइक, सभी लोगों को रोक रहे हैं ताकि हमारा कोई सॉल्यूशन निकले, तो बाहर में सर पुलिस आ जा रही है, जो कि थाना सजेती पड़ती है यहाँ पे। सर, यहाँ पे बहुत लोग मतलब अनेकों तरीके से हम लोगों को सर शोषण कर रहे हैं। अंदर जाओ तो कंपनी में काम करा लिए, वहाँ का पैसा दे नहीं रहे हैं, और बाहर में कुछ स्ट्राइक करो चाहे रोको वर्करों को ताकि हमारा भुगतान हो, लेकिन यहाँ पे भी पुलिस हमें रोक रही है सर। तो इस तरीके से हम लोग सर बहुत ही बड़ा मतलब मसले में फंसे हुए हैं। और सर देखिए कि हम लोग अभी कुछ इसमें ऐसे भी लड़के हैं जो पढ़ाई करते हैं, अपना मतलब घर का खर्च निकालने के लिए यहाँ पे आए हैं, और बहुत सी प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसा कि सर जी ने बताया कि बहुत सी बहनों का शादी करना है और बहुत से लोगों का अपना घर वगैरह चलाना है, उसके लिए हम लोग आए हैं। लेकिन सर, यहाँ पे मैं रेगुलरली मतलब 1.5 साल से यहाँ पे मतलब प्रगति में हूँ, यहाँ कार्यरत हूँ। और सर, या अब तक की 4 कंपनियाँ मेरी नज़र में भाग चुकी है।
जो कि यहाँ पे सांगा इरेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी जो सर वो भाग चुकी है कोविड में ही, और दूसरी सर सीडियन इंजीनियरिंग कंपनी जो फिलहाल में ही भागी है, तीसरी सर ये BGR भागी थी तो फिर कैसे जैसे वापस आई है, और सर चौथी नंबर जय माँ सारिदे एक कॉन्ट्रेक्टर है, और दूसरा एक और है MSS, उन दोनों लोग ने स्ट्राइक में मतलब साथ में ही थे लोग, तो उन लोगों को बैठा दिया लोग। चूंकि यहाँ पे सर प्रोसीजर क्या होता है कि बगैर गेट पास के CISF जो यहाँ पे होते हैं वो बगैर गेट पास के अंदर नहीं जाने देते, तो कॉन्ट्रेक्टर लोग क्या करते हैं कि अगर ये बंदा अब इसका मतलब काम खत्म हो गया चाहे इसका कॉन्ट्रेक्टर नहीं है तो इन लोगों का गेट पास ही मतलब रख लो और इन लोगों को बाहर ही रख दो, ना अंदर आएंगे ना किसी से मांग करेंगे अपना और ना कुछ होगा। सर यही दिक्कत है मेन कि हम लोग ना अपना पैसा ले पा रहे हैं ना काम कर पा रहे हैं। सर एक साथ में 500 लोगों को बेरोजगार रखना सर इन लोगों के लिए एक आम सी बात बन गई है। माननीय श्रमिक मंत्री से यह अनुरोध करूंगा दोनों हाथ जोड़ के कृपया करके वो हमारा जरूर मतलब एक आवश्यक फैसला उठाएं इसके लिए। सर इस समय हम लोग जानते हैं कि सभी लोग चुनावी मुद्दे में भिड़े हुए हैं, लेकिन प्लीज सर माननीय आदित्यनाथ योगी जी से भी नम्र निवेदन यह करता हूँ कि वो हमारी। अब तक के लिए बस इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।